हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ला रही हूँ कढ़ी बनाना, मतलब जो झोली बनाते हैं जिसे पकौड़ी वाली कढ़ी बोलते हैं, वो बना रही हूँ। खैर, मैं नहीं बना रही, मेरे ससुर जी बना रहे हैं, तो पापा जी बना रहे हैं हमारे। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं, और हमारे पहाड़ में, पहाड़ी लाइफ स्टाइल में बना रही हूँ, तो कैसे बनाते हैं मैं दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बनानी होगी सबसे पहले पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने के लिए हमने ले रखा है हरी पत्ती राई के और पत्ता गोभी, जो बारीक से काट करके धो रखा है और हमने पतीले में डाल दिया है। और उसमें बेसन डाल के हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम बगैर मिक्स के पानी डालेंगे तो फिर वैसे भी हमने ये हरी पत्ती धो रखी है, तो हरी पत्ती धुली हुई में अगर हम पानी डालेंगे तो वो गीला पड़ जाएगा और पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसलिए हम पकौड़ियों को डाल के पहले अच्छे से मिक्स कर लें, बहुत ही मिक्स कर लें, जब तक कि हरी सब्जियों का पानी पूरा सूख जाए, बेसन पूरा सूख ले। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें दोस्तों हम, क्योंकि थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है इसमें पानी की, तो ये थोड़ा सा पानी डालें। तो फिर इसे और अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ हमारे मसाला बनाने के लिए ये कड़ी पत्ता और ये हरी राई राई है, और ये मेथी है, और ये लाल मिर्च, और यहाँ पे खड़ा मसाला है, और कढ़ाई में तेल डाल रखा है जो गर्म हो रहा है। तो दोस्तों, हमारी लोहे की कढ़ाई है इसलिए काली दिख रही है, तो हमें ज़्यादा बनाना है इसलिए, तो तेल को गर्म हो रहा है वहाँ। यहाँ पकौड़ियों के लिए मसाला डालें, और ये मसाला स्वादानुसार आप डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं तेज या कम, इतना डालने के बाद। तो हम मैं इसे फिर और मिला लगा, और हमने स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल रखा है। अब चाहो तो ज़रूरी नहीं है। ये डालने के बाद इसे आराम से मिला लें। हमने दोस्तों इसमें फिर नमक भी डाला, नमक भी ऐड कर लिया है, तो लगभग सारे मसाले सभी डाल ही लिए हैं। अब इसकी बार हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये पकौड़ी बनाने लायक बेसन में हरी पत्ती एकदम अच्छा हो रखा है ये। तो वहाँ हमारी कढ़ाई में पापड़ भी गर्म हो रहे हैं, पापड़ भी तल रहे हैं हम थोड़े से। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा हो गया है। तो अब सिर्फ बारी है पकौड़ी बनाने की। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बहुत टेस्टी भी होता है। वहाँ हमारी ये पापड़ तले जा रहे हैं, मम्मी जी द्वारा तल रहे हैं, तो पहले इन्हें तल लेते हैं, उसके बाद पकौड़ी बनाएंगे। तो दोस्तों, साथ ही हमने पकौड़ी डाल दी है, और साथ ही हमने चावल भी रख लिए हैं कुकर में। तो
इसमें सारे मेटल डालने के बाद दोस्तों देखिए ये कुछ ऐसी बनी है। देखिए थोड़ा बहुत ही टेस्टी दिख रही है, वो मिर्ची दिख रही है ऊपर से और थोड़ा गाढ़ी हो रखी है हमारी ये, तो मैंने पहले कह रखा था थोड़ा पानी डालना, तो बनने के बाद ऐसे तैयार हुई दोस्तों। तो एक बार बनाना ज़रूर, बहुत ही टेस्टी होती है। ऊपर से हमने पकौड़ी डाली है ऐसे, तो अब इतनी पकौड़ियाँ बची हैं, ऐसे डाल मिला दो पकौड़ियाँ भीग जाती हैं उसमें, तो खाने के साथ बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों